गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें हमारा गद्य 6 है जिसका नाम है भरत। भरत एक एकांकी है। गद्य शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है तपस्विनी। तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्री। त्यार बाद दूसरा है ओट। ओट यानी कि आड़ और पीछे, उसका अर्थ होता है। तीसरा है सर्वदमन। सर्वदमन यानी कि सबका नाश करने वाला। उसके बाद है उमड़ आना यानी कि बढ़ना। पांचवा है हठीला। हठीला यानी कि जिद्दी। उसके बाद है तेजस्वी। तेजस्वी यानी कि पराक्रमी। सातवा है दमकना। दमकना यानी कि चमकना। आठवां है चक्रवर्ती यानी कि समुद्र तक की, पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, जिसे हम चक्रवर्ती कहते हैं। नौवां है धूली। धूली यानी कि मिट्टी। दसवां है उज्ज्वल। उज्ज्वल यानी कि स्वच्छ। उसके बाद है अकारण यानी कि बिना किसी कारण। बारवा है बली। बली यानी कि बलवान। तेरवा है आचरण। आचरण यानी कि व्यवहार। उसके बाद है बड़भागी। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला। पंद्रवा है अचंभा यानी कि आश्चर्य या फिर विस्मय। उसके बाद है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, जिसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। सत्रहवा है कुटी यानी कि झोपड़ी। अठारहवा है अप्सरा यानी कि देवलोक में रहने वाली स्त्री, जिसे हम अप्सरा कहते हैं। उन्नीसवा है देवपितर यानी कि देव और पूर्वज। बीसवा है सकुंत लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य। इक्कीसवा है व्याकुल यानी कि बेचैन। उसके बाद है वृतांत। वृतांत यानी कि वर्णन। तेईसवा है मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। चौबीसवा है नाहर। नाहर यानी कि शेर। और आखिर है धागा। धागा यानी कि दोरा। तो ये थे हमारे शब्दार्थ गद्य 6 जिसका नाम है भरत। गद्य का प्रकार है एकांकी यानी कि नाटक, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण जी, उसके बारे में हम देखें तो उनका जन्म 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तिकाओं का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद है वो हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। प्रस्तुत जो हमारा गद्य है, जो एकांकी है, वो कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है। उनका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो कि राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। प्रस्तुत गद्य है, प्रस्तुत जो नाटक है, उसका सारांश हम देखें तो के ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह सावक के साथ खेल रहा था। वहाँ की जो दोनों तपस्विना है वो उन्हें रोकती है कि तुम इस जंगल में रह रहे पशुओं और जो प्राणी है उनके बच्चे को तुम परेशान मत करो। लेकिन जो सर्वदमन है वो नहीं मानता है। और ये जो सारी बातें हैं दोनों तपस्वी और सर्वदमन की, वो जो सारी बातें हैं वो राजा है वो पेड़ के पीछे से देख रहे होते हैं। और उसे बच्चे से वो प्रभावित होकर वो उनके पास जाते हैं। और फिर आखिर में वो ऐसे सोचते हैं कि काश ये बच्चा मेरा होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसे देखकर ही उसे बहुत आनंद होता है, उसे प्यार उमड़ आता है। इसीलिए वो सोचते हैं कि काश ये मेरा बच्चा होता। फिर आखिर में
जब दोनों तपस्विनियाँ बातचीत करती होती है तब आखिर में उसे पता चलता है कि आखिर में ये जो पुत्र है सर्वदमन है वो इन्हीं का पुत्र है। और ये बात जानकर वे बहुत खुश हो जाते हैं, वो झूम उठते हैं और यहाँ पे पर्दा है वो गिरता है, यानी कि ये जो हमारा नाटक है वो पूर्ण होता है। तो इस नाटक के पात्र को हम पहले देखें तो पात्र बालक जिसका नाम है भरत और सर्वदमन, दूसरा पात्र है तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी, चार मुख्य पात्र है। गद्य में हम देखें दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। कि ये जो हमारा नाटक है उस नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कि एक जो छोटा सा बालक है वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और उनके पीछे जो दोनों तपस्विनियां हैं वो उन्हें रोकते हुए उनके पीछे जाती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं, कि जो राजा दुष्यंत है वो पेड़ की ओट यानी कि पेड़ का जो पीछे का भाग है वहाँ से, तो पेड़ के पीछे से छुप के वो ये जो पूरा दृश्य है वो पूरा दृश्य देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जो बालक है जो भरत है वो सिंह के बच्चे से क्या कहता है, तो कहता है कि अरे सिंह तू अपना मुंह है वो खोल, मुझे तुम्हारे दांत है वो गिनने हैं। तो पहली तपस्वी वो बालक से कहती है, ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है, हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है, तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है। जो पहले जब बालक है भरत है वो सिंह के बच्चे के दांत गिनने के लिए कहता है तो पहली तपस्विनी है उसे रोकती है और उसे कहती है कि ए हठीले बालक, हठीले यानी कि जिद्दी, कि हे जिद्दी बालक तू इस वन के यानी कि इस जंगल के जो पशु है उन पशुओं को तुम क्यों सताते हो, हम तो इन पशुओं को अपने बच्चों के समान रखती है, क्योंकि कोई भी माँ है वो अपने बच्चों को कभी परेशान है वो नहीं करती है। तो इसी तरह जंगल में रहने वाले जो ऋषि मुनियों है जो तपस्विनी है वो सब पशुओं को उनके बच्चों के समान है वो रखती है। तो वो कहती है कि हम इन पशुओं को अपने बाल बच्चों के समान है वो रखती है, तो फिर तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो, तेरा साहस है वो बढ़ता जाता है, साहस यानी कि हिम्मत, कि तुम्हारी जो हिम्मत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी है वो कहती है कि तुम्हारा नाम ऋषि मुनियों ने क्या रखा है, तो के सर्वदमन यानी कि सबका नाश करने वाला, जिसका अर्थ होता है सर्वदमन। एक मार्क्स के प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है कि ऋषियों ने तुम्हारा नाम जो सर्वदमन रखा है वो ठीक ही रखा है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आह क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। ये जो पूरा दृश्य है वो पूरा दृश्य राजा दुष्यंत है वो पेड़ के पीछे से देख रहे हैं और वो स्वयं से ही बात करते हैं, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, कि जो पहली तपस्विनी है और जो बालक है उन दोनों की बातें सुनकर राजा दुष्यंत स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या कारण है कि मेरा जो स्नेह है यानी कि मेरा जो प्रेम है वो उस बालक की ओर उमड़ सा जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुम पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी है वो उस बालक को डराना चाहती है वो, और वो कहती है कि क्यों जो तू इस बच्चे को यानी कि सिंह के बच्चे को अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो उनकी माँ है यानी कि जो सिंहनी है वो तुम्हारे पास है वो आएगी, दौड़ती हुई आएगी। तो ये बात सुनकर बालक है वो मुस्कुराता है और कहता है ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। तो उनकी बात है वो बालक ध्यान नहीं धरता और कहता है कि ठीक है सिंहनी यदि मुझ पर आएगी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे उसका डर नहीं है, और अपना मुँह है वो चिढ़ाता है।
दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुंह अग्नि के समान दमक रहा है। जो दुष्यंत है वो इस बालक की बात सुनकर बड़े आश्चर्य से कहता है, क्योंकि एक ऋषि के पुत्र में इतनी हिम्मत है वो नहीं होती, इतना साहस नहीं होता जितना सम्राट के पुत्र में होता है। तो उनका ये साहस देखकर जो राजा दुष्यंत है वो स्वयं से कहते हैं कि यह बालक है वो अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख है वो अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। जो बालक है वो हट करके बैठा है कि वो सिंह के बच्चे के दांत है वो गिनकर ही उसे छोड़ेगा। तो जो पहली तपस्विनी है वो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि हे प्यारे बालक, ये सिंह के बच्चे को तू छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना है वो दूंगी। तो बालक कहता है, हाथ पसार कर यानी कि हाथ लंबा कर कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। जो बालक है वो अपने हाथ लंबे करता है तपस्विनी की ओर और कहता है कि पहले मुझे खिलौना दो, बाद में ही मैं इस शेर के बच्चे को छोड़ूंगा, कहाँ है मेरा खिलौना। तो दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। कि जब बालक है वो अपना हाथ लंबा करता है तो दूर से दुष्यंत है वो उनके हाथ की हथेली है वो देखता है और हथेली को देखकर स्वयं से यानी कि खुद से ही बात करता है। क्या बात करता है कि अरे इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, कि उनके हाथ में जिसने समुद्र से लेकर पृथ्वी तक की सारी जो पृथ्वी है वो जीत ली है, उनके लक्षण इस बालक के हाथ की लकीर है उसमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, कि उनकी जो उंगलियां है उसमें अद्भुत झाल है और हथेलियों की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। तो उनकी हथेली है वो उनकी शोभा इतनी अच्छी है कि जो सुबह सुबह कमल है वो खिलता है और सुंदर दिखता है तो सुबह के कमल को भी लज्जित करे इतनी कोमल हथेली उस बालक की है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। कि जो दूसरी तपस्विनी है वो पहली तपस्विनी का नाम क्या है, सुव्रता, ये बात भी आप याद रखिएगा, एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो दूसरी तपस्विनी है वो पहली तपस्विनी यानी कि सुव्रता से कहती है कि हे सुव्रता, ये जो बालक है वो बातों से मानने वाला नहीं है, यानी कि जो सर्वदमन है वो बातों से नहीं मानेगा, जा मेरी कुटियों में ऋषि कुमार के लिए यानी कि जो सर्वदमन है उसके खेलने के लिए मिट्टी का मोर है वो रखा हुआ है, तुम जाओ और उस खिलौनों को लेकर इधर आओ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है पहली तपस्विनी है वो क्या कहती है कि मैं अभी वो खिलौना है वो लेने के लिए जाती हूँ और फिर वो चली जाती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। कि जो बालक है वो इतना जिद्दी है कि वो मानता ही नहीं है, और बालक है वो तब तक क्या कहता है दूसरी तपस्विनी से कि तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा, और तपस्विनी के सामने देखकर उनके सामने हंसता है और फिर वो शेर के जो बच्चे हैं, सिंह के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने लगता है। दुष्यंत आप ही आप यानी कि वो स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखते हैं और तुतले वचन है वो बोलते हैं।
कि दुष्यंत है वो उस बालक को देखकर यानी कि सर्वदमन को देखकर मन ही मन अपने आप से बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो बालक है वो बालक कितना सुंदर है, उनके साथ खेलने के लिए मेरा मन है वो ललचाता है, उनके साथ खेलने के लिए मेरी इच्छा है वो तीव्र होती जा रही है। और फिर आह भरता है यानी कि लंबी सांस लेता है और कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंगों की धूलि से अपनी गोद है वो मैली करते हैं, कि वो लोग वो पिता धन्य है जो अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और उनके शरीर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो चलते हैं चार पैरों से तो उनका जो पूरा शरीर है वो धूल मिट्टी से भर जाता है, तो उनके अंग की यानी कि उनके शरीर पर लगी हुई धूल को अपनी गोद में लेते हैं। और फिर पुत्रों के अकारण हंसी से कि जब कोई पिता या फिर कोई माता अपने बच्चों को गोद में उठाती है तो बालक के चेहरे पर एक हंसी आती है और उनके जो छोटे छोटे चमकते दांत है वो देखकर जो कोई भी माता पिता है उन्हें अनेरा आनंद है वो होता है। तो अकारण उसी हंसी को खोलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखते हैं और उनके तोतले वचन है वो सुनते हैं, कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो जब बोलना सीखते हैं तो उनकी भाषा है वो कैसी होती है, तोतली होती है, वो स्पष्ट रीत से कुछ भी बोल नहीं पाता और जो उनकी जो तुतली बोली होती है वो सुनना हम सबको बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि वो धन्य है वो पिता जो अपने छोटे से बच्चे को उस गोदी में लेते हैं और उनकी हंसी देखने को उन्हें मिलती है और उनके तोतले जो वचन है उससे सुनने को मिलते हैं। दूसरी तपस्विनी क्योरे ठीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता, दूसरी तपस्विनी है वो भरत से यानी कि सर्वदमन से कहती है कि क्यों रे ढीठ यानी कि क्यों रे जठिले बालक तू मेरी बात है वो क्यों नहीं सुन रहा है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, दूसरी तपस्विनी है वो इधर उधर देखती है और कहती है कि अन्य कोई ऋषि कुमार यहाँ है जो आए और इस बालक को समझाए कि तुम शेर के बच्चे को छोड़ दो। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ, कि दुष्यंत है दूसरी तपस्विनी की नज़र है वो किसको देखती है तो कि दुष्यंत को देखती है और फिर वो दुष्यंत से कहती है कि हे महात्मा हे महापुरुष तुम आओ और कृपा करके इस हठिले बालक के हाथ से ये जो सिंह का बच्चा है उसको आप छुड़ाओ। दुष्यंत कहता है अच्छा, बालक के पास झांककर और हंसकर हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। कि दुष्यंत है वो दूसरी तपस्विनी के बुलाने पर वो उनके पास आता है और फिर क्या कहता है कि हे बालक, वो बालक के पास जाता है और उनसे हंस के बात करता है और क्या कहता है कि हे ऋषि कुमार तुम तपोवन के विरुद्ध यानी कि तुम तपोभूमि में रहते हो तो फिर उनके विरुद्ध आचरण है वो तुम क्यों कर रहे हो, ये जो पूरा कार्य है तपोवन के आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, कि तपोवन में रहकर तुम्हें कोई भी पशु हो या फिर पक्षी हो उसे सताना ये तपोवन के विरुद्ध का कार्य है जिससे तुम्हारे कुल की लाज है वो जा सकती है, तो फिर तुम ऐसे कार्य क्यों करते हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो जब दुष्यंत की बात सर्वदमन सुनता है तो वो बात सुनकर जो सर्वदमन है वो सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। ये जो पूरा दृश्य है वो आप देख रहे हैं, ये राजा दुष्यंत है, दूसरी तपस्विनी है, ये सर्वदमन है और उनके हाथ में छोटे से शेर का बच्चा है। दूसरी तपस्विनी हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है, कि जब राजा दुष्यंत है वो सर्वदमन को ऋषि कुमार कह के पुकारता है तब दूसरी तपस्विनी है वो उसे कहती है कि हे बड़भागी ये ऋषि कुमार है वो नहीं है। बड़भागी यानी कि भाग्यवान, जो भाग्यवान व्यक्ति है उसे बड़भागी कहते हैं, तो ये ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत कहता है सत्य है
उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना था। जो दुष्यंत है वो कहता है कि तुमने सत्य ही कहा है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है, क्योंकि उनके जो लक्षण है वो ऋषि कुमार के जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण है वो नहीं है, ये तो कोई पराक्रमी राजा है, उनके बच्चे के लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बालक का वास है वो कहाँ पर है, तो के तपोवन में है, इसीलिए दुष्यंत ने इसे ऋषि कुमार है वो जाना है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, कि वो जो बच्चे है उनकी हाथ की हथेली को वो अपने हाथ में लेता है और उनके हाथ में लेकर उन्हें जो एहसास होता है वो व्यक्त करते हैं और स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा, कि वो जब उसे छूता है, सिर्फ उसकी हाथ की हथेली को छूता है, तब वो कहते हैं कि उसके सिर्फ हाथ को छूने से मुझे इतना आनंद आ रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो जिस भाग्यवान व्यक्ति का ये बच्चा होगा वो कितना खुश होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है कि जो दूसरी तपस्विनी है वो जो पूरा जो दृश्य है वो दृश्य देख रही है, यानी कि दुष्यंत और सर्वदमन उन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो बातचीत वो सुन रही है और फिर कहती है, दोनों की ओर देखती है और कहती है कि बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? जब दूसरी तपस्विनी कहती है कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, तो फिर दुष्यंत कहते हैं कि क्यों, तुम्हें आश्चर्य क्यों होता है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इन्हें तुम्हारी बात मान ली। जब दुष्यंत उसे कहता है कि तुम्हें आश्चर्य क्यों होता है, तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत, यानी कि मुंह, तुम दोनों की जो सूरत है वो एकदम मिलती जुलती है और फिर तुम दोनों हुए एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, फिर भी इस बच्चे ने तुम्हारी बात है वो मान ली, यानी कि एक बार उनके कहने से ही उन्होंने शेर के बच्चे को छोड़ दिया था। दुष्यंत कहता है, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत है वो बच्चे को गोद में उठाता है और फिर कहता है कि हे तपस्विनी, अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो फिर वो किस वंश का बच्चा है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, यह कुरुवंशी है, ये जो बालक है वो कौन से वंश का, यानी कि कौन से कुल का है? तो के पुरुवंश कुल का है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। जो उसकी बात सुनकर दुष्यंत है वो स्वयं से बात करता है और कहता है कि इसीलिए इसकी जो सूरत है वो मुझसे मिलती है, क्योंकि राजा दुष्यंत है वो भी पुरुवंश कुल के है और वो जो बालक है सर्वदमन है वो भी पुरुवंशीय है, इसीलिए उनकी सूरत है वो मिलती है। बच्चे को गोद में उतार कर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्थाओं में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? जो दूसरी तपस्विनी है वो कहती है कि ये जो बच्चा है वो पुरुवंश का है, इसीलिए दुष्यंत स्वयं से कहता है कि इसीलिए इसकी जो सूरत है वो मुझसे मिलती है और फिर आगे कहता है, बच्चे को गोद से उतार कर, कि बच्चे को उन्होंने सर्वदमन को गोद में लिया हुआ था तो उसे नीचे उतारते हैं और फिर आगे दूसरी तपस्विनी से कहते हैं कि पुरुवंश में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, कि पुरुवंश के जो वंशज होते हैं, पुरुवंश के जो लोग होते हैं, उनकी मुख्य रीति, उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
कि जब वो युवा होते हैं, युवावस्था में होते हैं, तब वो क्या करते हैं, तो कि पृथ्वी में रहकर, महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और उनका पालन करते हैं। और जब वो वृद्ध हो जाते हैं, उनकी वृद्धावस्था होती है, तब वो अपने सब उनकी जो जितेंद्रिय है, यानी कि जो हमारी इंद्रिय होती है, उन इंद्रियों को संपूर्ण रूप से उन पर वो काबू पा लेते हैं और वन में जाकर एक तपस्विनियों के भांति अपना जीवन है वो व्यतीत करते हैं। यानी कि महल का त्याग करके वो आश्रम में किसी वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा, कि ये जो बालक है उनकी शक्ति है वो देवताओं जैसी है, तो भला ये कोई मनुष्य का पुत्र कैसे होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है, कि जब वो दुष्यंत है वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो इतना निडर है, इतना साहसी है, कि ये कोई साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता, ये जरूर किसी देवता का पुत्र है। तो ये बात सुनकर दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि हे परदेसी, तुम्हारे मन में जो संदेह है वो संदेह अवश्य मिट जाएगा जब तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि इस बालक की माँ है वो कौन है, तो के मेनका नाम की जो अप्सरा है उनकी बेटी है, और उसी के प्रताप से इस बालक का जन्म देव पितर, यानी कि देव और पूर्वज की जो भूमि है उसके उसी के कारण इस तपोवन में उनका जन्म है वो हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, कि जो दुष्यंत है वो मन में ही कहता है और कहते हैं कि ये तो बड़े आनंद की बात है, तुमने तो बड़े आनंद की बात मुझे सुनाई, और उनसे उनकी कुछ आशा है वो बढ़ी, क्योंकि एक तो सर्वदमन है और जो दुष्यंत है उन दोनों की सूरत मिलती जुलती है, फिर दोनों एक ही कुल के वारिस है, यानी कि दोनों पुरुवंशीय है, और उनकी जो माता है वो अप्सरा मेनका की बेटी है, और जो राजा दुष्यंत है उनकी पत्नी है वो भी अप्सरा मेनका की ही बेटी थी, इसीलिए उनकी जो आशा है वो बढ़ती है। और फिर वो पूछती है कि उसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, यानी कि कौन से राजा की पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। कि दूसरी तपस्विनी है वो राजा दुष्यंत से क्या कहती है, कि जिस राजा ने अपनी विवाहित यानी कि शादीशुदा पत्नी को बिना किसी अपराध के छोड़ दिया होगा उसका नाम मैं हरगिज न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, कि दुष्यंत है वो स्वयं से उनकी बात सुनकर स्वयं से कहता है कि यह कथा यानी कि ये जो कहानी है वो मुझ पर लागू होती है, भला अब मैं इस बालक की माता का नाम कैसे पूछूं। और उसी समय जो दोनों की बातचीत खत्म होती है उसी समय जो पहली तपस्विनी है यानी कि जो सुव्रता है वो जो मिट्टी का खिलौना लेने के लिए कुटिया में गई थी वो खिलौना लेकर आती। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख, जो पहली तपस्विनी है वो मिट्टी का खिलौना लेकर आती है और उसे कहती है कि हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख, यानी कि तुम इस मोर जो पक्षी है, मोर का जो पक्षी है उनके सौंदर्य का तुम देखो। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। यहाँ पर जो सर्वदमन है उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पहली तपस्विनी उन्हें क्या देखने को कहती है, तो के शकुंत यानी कि जो मिट्टी का मोर है उनके सौंदर्य को देखने के लिए कहती है, और बालक है वो क्या समझता है कि पहली तपस्विनी उससे कहती है कि तुम शकुंतला मेरी माता कहाँ है, मेरी माता कहाँ है।
दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख, के जो दूसरी तपस्विनी है वो इस बात को सुनकर हंसती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी माता है वो नहीं है, तुमने धोखा खाया है, क्योंकि उन्हें मोर के जो सौंदर्य है, सब उनका जो सौंदर्य है उसे देखने के बात की थी और वो शकुंत की बजाय शकुंतला समझ लिया, इसीलिए कहती है कि तुमने इस नाम से धोखा खा लिया सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि तुम मिट्टी के मोर को देखो। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? जब उसे पता चलता है कि इस बालक की माता का नाम वो शकुंतला ही है, तब वो स्वयं से बात करता है, वो कहता है क्या इस बालक की जो माता है वो मेरी ही प्यारी यानी कि मेरी ही पत्नी शकुंतला है या फिर इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, कि ये जो वृतांत है वो मुझे इस तरह से व्याकुल कर रही है, क्योंकि अब एक तरफ से दुष्यंत को लगता है कि ये जो बालक है वो उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का पुत्र है, और दूसरी ओर से उसे इस बात का पता नहीं है कि उनकी जो माता है यानी कि जो शकुंतला है वो उन्हीं की पत्नी है या फिर इस नाम की कोई दूसरी पत्नी, और इससे वो कंफ्यूज हो जाता है और इसी बात को वो सोचने लगता है और कहता है कि मैं इतना व्याकुल हो गया हूँ जितना मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, कि जिस तरह से प्यासे हिरण को जब को प्यास लगती है और वो पानी ढूंढता है, इसी तरह से मैं भी व्याकुल है वो हो रहा हूँ। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है, कि वो जो खिलौना है जो पहली तपस्विनी लेकर आई थी उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये मोर है वो बहुत अच्छा लगा, और फिर वो खिलौना है वो ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओ बालक, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया, कि जो पहली तपस्विनी है वो अचानक से घबरा जाती है और कहती है कि अरे बालक की बाँह से वो जो रक्षाबंधन का धागा है वो कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, कि दुष्यंत है वो तपस्विनी से कहता है कि तुम घबराओ। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, कि जो दोनों तपस्विनियाँ है वो दोनों तपस्विनियाँ घबरा जाती है, क्योंकि जो बालक है उनके बाँह से जो रक्षाबंधन का धागा बांधा हुआ था वो धागा है वो गिर जाता है, इस बात से वो दोनों घबरा जाती है। लेकिन दुष्यंत है वो कहती है कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, जब वो नाहर से खेल रहा था तब उसके बाँह से ये रक्षाबंधन का जो धागा है वो गिर गया था, सो ये लो, ये धागा है वो यहाँ पर है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ, कि वो धागा मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है, कि दुष्यंत है वो धागा उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना, कि जब दुष्यंत है वो रक्षाबंधन के धागे को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, तब उसे पहली तपस्विनी मना करती है, कहती है कि अरे अरे वो धागा है तुम मत उठाओ, तुम उसे छूना मत। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया, कि दूसरी तपस्विनी है वो कहती है अरे इसने तो ये धागा उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, कि जो दोनों तपस्विनियाँ है वो एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, कि क्योंकि उसे रक्षाबंधन के धागे को छूने से मना किया था और फिर भी राजा दुष्यंत है वो उसे उठा लेता है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? कि दुष्यंत है वो कहते हैं कि ये लो रक्षाबंधन का धागा तुम रखो, और फिर कहती है कि तुमने मुझे इसे उठाने के लिए रोक क्यों रहे थे आप लोग मुझे? तो उसके जवाब में दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था
तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण यह है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा है वह न उठा सके। जो दोनों तपस्विनियाँ है वो उस धागे को उठाने से या फिर उसे छूने से दुष्यंत को मना कर रही थी। क्यों मना कर रही थी? क्योंकि उस रक्षाबंधन का धागा था उसका नाम क्या था? तो के अपराजित। ये बात भी आप याद रखिएगा, अपराजित था। और जब उस बालक का नामकरण हुआ था तब उस बालक को महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने ये धागा है वो सर्वदमन के बाह में बांधा था। और इस रक्षाबंधन का गुण क्या था? तो कि जब भी ये धागा धरती पर गिरेगा तब उस धागे को माता और पिता यानी कि उस बच्चे के माता पिता के अलावा कोई और उस धागे को छू नहीं सकेगा दुष्यंत। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? कि दुष्यंत कहता है कि इस रक्षाबंधन के धागे को उसके माता पिता के अलावा कोई उठा नहीं सकता है, और यदि जो कोई उठा ले तो उससे क्या होता है? तो पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो कह दूसरी जो पहली तपस्विनी है वो उसे जवाब में क्या कहती है कि यदि कोई इस धागे को उठा ले तो ये धागा तुरंत ही सांप में बदल जाता है और वो जो व्यक्ति है यानी कि जिसने ये धागा उठाया है उसको डस लेता है। दुष्यंत कहता है तुमने कभी ऐसा होता देखा है? कि दुष्यंत उसे क्या कहता है कि क्या तुमने कभी इस धागे को सांप में बदलते हुए देखा है? तो पहली तपस्विनी कहती है कि अनेक बार, कि हमने अनेक बार ये दृश्य है वो देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा है वो गिर जाता है। कि दुष्यंत को जब इस बात का पता चलता है कि आखिर में ये जो बालक है जो सर्वदमन है वो इन्हीं का पुत्र है और उनकी जो माता है शकुंतला है वो उन्हीं की पत्नी है, तो इस बात से उन्हें बहुत ही खुशी होती है, वो बहुत प्रसन्न होता है और उनका जो मनोरथ है वो पूर्ण होता है और वो आनंद है वो मनाता है। और यहाँ पे जो हमारा एकांकी है वो जो गद्य है वो समाप्त होता है और पर्दा है वो गिरता है। आगे हम देखें इस गद्य के अभ्यास में हम देखें तो कि उनका जो प्रश्न पहला है और उनके अंदर जो दो प्रश्न है वो दोनों प्रश्न के जवाब आपको लिखने हैं, दूसरा प्रश्न नहीं करना है। तीसरा जो प्रश्न है परिच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्न को जवाब आपको ढूंढकर लिखने हैं, ये भी आपको करना है। आगे स्वाध्याय में देखें, स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है उनके तीन प्रश्न है, यहाँ तक आपको जो काम है वो करना है। थैंक यू।